Plans that I had in the future. I remember I was thinking about babies, whether a boy or girl, and what we would name it. It hurts we never made it. I just assumed that you lied when you told me you never leave me, cause you deceived me. You so misleading. My heart is. Hello, dosto, welcome back to another gameplay video. तो आज हम खेलने से ज्यादा कोबलस्टोन फार्म बनाने में फोकस करने वाले हैं. तो आज हम कोबलस्टोन फार्म ही बनाने वाले हैं. तो यहाँ पर मैं सोया था अपने ट्री फार्म में, जहाँ से हमें अनलिमिटेड वुड मिलता था. लेकिन ये ट्री फार्म में थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी, इसको अपग्रेड करना पड़ेगा मुझे. अपग्रेड करने के बाद इसका एक ट्यूटोरियल मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हो. सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, तभी आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन और आपको पता चलेगा कि इसने कौन सा ट्यूटोरियल अपलोड किया है या फिर गेम प्ले अपलोड किया है. तो ये था ये है मेरा घर, डार्क हाउस. यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बुक शेल्फ के अलावा, और डर्ट है सिर्फ. तो ये मेरा एक अंधेरी कोठरी बोल सकते हो इसको. ये मेरा घर एकदम पुराना सा है, इसलिए इसको तो बेचने का सोच रहा हूँ मैं. तो मैं अपने भाई के घर में जाता हूँ, मेरा जुड़वा भाई ये, एक आपको बता देता हूँ सबसे पहले. तो ये मेरे जुड़वा भाई का घर है, जहाँ पर मैंने डर्ट लगा के इसको गंदा कर दिया है. तो इसके घर से मुझे कोबलस्टोन बनाने के सारे जो चीज़ें होती है उसको चुराना है. और जब भी मैं कुछ भी चुराता हूँ तो सामने के दरवाजे से नहीं जाता, ऊपर से जाता हूँ या फिर पीछे से जाता हूँ. तो मैंने ऊपर से एक शॉर्टकट बना दिया है, इसलिए मैं यहाँ से आया हूँ. तो यहाँ से मैं चुराने वाला हूँ कोबलस्टोन फार्म के सारे थिंग्स. फक ऑफ ब्रदर, आई नो यू विल ओपन द चेस्ट. मतलब मुझे भी पता है, उसको भी पता है कि यहाँ पर एक चेस्ट है जो वो रखता था यहाँ पर, और मैंने पिछले बार भी खोला था वो चेस्ट. तो इसीलिए इसको इसने अब ये अपना लिया है कि मेरा भाई खोलेगा ये चेस्ट. तो यहाँ पर कोबलस्टोन का सारा, कोबलस्टोन फार्म बनाने का सारा मटेरियल है. यहाँ पर आपको 1 stack ऑफ कोबलस्टोन चाहिए, 2 stack ऑफ कोबलस्टोन ब्रिक चाहिए, 4 piston चाहिए, आपको रेड स्टोन चाहिए, 20 आप रेड स्टोन ले सकते हो, और 2 water bucket चाहिए, 2 lava bucket चाहिए, और एक ऑब्जर्वर चाहिए. बस आपका काम हो जाएगा. और रेड स्टोन रिपीटर चाहिए मेन, वो आपको क्राफ्टिंग टेबल के बुक में नहीं मिलेंगे. वो आपको गूगल पे जाके सर्च करना पड़ेगा कि कोबल स्टोन रिपीटर कैसे बनाते हैं. तो अब हम इसके घर को छोड़ देते हैं. इसके घर बहुत ही गंदा दिख रहा है, मुझे पता है मेरा भाई का घर है. मुझे इसको गंदा करना पसंद है, पर आज मुझे गंदा करना नहीं पसंद. ठीक है, मैं इसको अच्छा कर देता हूँ. देखिए कितना मस्त लग रहा है इसका घर. तो मैं अपना कोबलस्टोन फार्म जनरेटर बना देता हूँ. तो यहाँ पर एक स्पेस बनाई है मेरे भाई ने, यहाँ पर कोबलस्टोन फार्म बनाने के लिए इसने एक स्पेस बनाई है, जहाँ पर मैं कोबलस्टोन फार्म बनाने वाला हूँ. अब देखिए दोस्तों, उसके लिए बनाना मतलब अल्टीमेटली मेरे लिए बनाना, मतलब वो भी यूज़ करेगा तो मुझे मिलेगा, क्योंकि अगर वो स्टोन तोड़ेगा तो मैं भी चुरा ही लूँगा थोड़ा बहुत. तो यहाँ पर बीच में कहीं पर भी बीच में आपने 4 ब्लॉक खोद देने हैं नीचे, क्योंकि लुक अच्छे करने के लिए सिर्फ. इतना कुछ अच्छा नहीं है, मतलब इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, 4 ब्लॉक नीचे खोदना, पर लुक अच्छा करने के लिए 4 ब्लॉक खोद दीजिए नीचे. यहाँ पर 4 ब्लॉक खोदे सीधे मैंने, और उन 4 ब्लॉक्स को कवर कर दीजिए यू शेप में. देखिए यहाँ पर यू शेप में मैंने कवर कर दिया है. तो ये है यू शेप, यहाँ पर मैंने 4 ब्लॉक्स है बीच में, यहाँ पर मैं इन ब्लॉक्स को भी कवर कर देता हूँ. तो ये एक यू शेप है जिसके बीच में 4 ब्लॉक्स होने चाहिए, ये याद रखना. या फिर आप कह सकते हो ये एन शेप है जिसके बीच में 4 ब्लॉक्स होने चाहिए. तो यहाँ पर एक चेस्ट लगा दी है जहाँ पर ओपन स्पेस है, और यहाँ पर क्राउच होके आपको हॉपर्स लगाने हैं. यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने क्राउच किया 1 2 3, और यहाँ पर चौथा क्राउच करके लगाना है आपको, भी चौथा भी क्राउच करके लगाना है, क्योंकि आप यहाँ तक सारी जो थिंग्स इस हॉपर्स में गिरेंगी वो अल्टीमेटली चेस्ट में जाके गिरेंगी. तो यहाँ पर मैं एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ. यहाँ पर एक कोबलस्टोन, यहाँ पर सब में मैंने एक एक डाल दिया था. तो यहाँ पर 5 बन चुके हैं कोबलस्टोन, मतलब आ चुके हैं चेस्ट में. तो ये ऐसा ही था. तो यहाँ पर सिर्फ कनेक्ट करना था, और एक सेकेंड लेयर बना दो आप कोबलस्टोन ब्रिक की. तो यहाँ पर सेकेंड लेयर बना दी मैंने, और चेस्ट के साइड के लास्ट सेकेंड लास्ट ब्लॉक में आपको एक होल करना है, मतलब एक ब्रिक हटा देनी है, एक ब्लॉक हटा देना है, और वहाँ पर ऑब्जर्वर रखना है सेकेंड लेयर में. पर यहाँ पर मेरे पास ऑब्जर्वर नहीं है, मैंने बनाया नहीं था. तो अपने ट्री फार्म का ऑब्जर्वर चुरा लेता हूँ, मतलब मैंने ही बनाया था ये ट्री फार्म, तो ले ही लेता हूँ. पर बनाया मेरे भाई ने था, इसलिए मैं चुरा लूंगा ऐसा बोलता देता हूँ. तो यहाँ पर मैं अपना ऑब्जर्वर लेके आ चुका हूँ, क्योंकि ट्री फार्म में ऐसा यूज नहीं आ रहा, उसको अपग्रेड करना है ट्री फार्म को, वो चल नहीं रहा ठीक से. पर ठीक है, अब वो काम आ ही जाएंगे थोड़े बहुत वुड. तो यहाँ पर ऑब्जर्वर का फेस यहाँ पर होना चाहिए. आप जब भी ऑब्जर्वर को रखना है तो यहाँ पर पीछे से ही रखना, ताकि उसका फेस आगे चला जाए. तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्वर के पीछे एक ब्लॉक लगाना है स्टोन ब्रिक का. देखिए मैंने तोड़ के दिखा दिया आपको, ऑब्जर्वर के पीछे एक ब्लॉक लगाना है, उसके बाद उसके साइड के नीचे और उसके साइड के ऊपर एक लगाना है, मतलब एक वाई शेप कर देना है आपको. यहाँ पर देख सकते हो आप, एक वाई शेप हो गई है. तो यहाँ पर थर्ड लेयर ऑफ कोबलस्टोन ब्रिक बना देता हूँ मैं. तो यहाँ पर थर्ड लेयर बना दी मैंने. तो यहाँ पर
अब बीच में जो लेयर है वहां पर कोबल स्टोन लगा देना है आपको, ताकि कोबल स्टोन जनरेट होके वहां से ही तोड़े हम। और चार क्यों लगा रहे हम, क्योंकि अपनी पिकेक्स की रेंज 5 है, लेकिन हम जब चौथा कोबल स्टोन तोड़ेंगे लास्ट तक, तो अल्टीमेटली पिस्टन अपने कोबल स्टोन जनरेट करके नीचे ढकेल देगा, तो उसके बाद हम पांचवा तोड़ नहीं पाएंगे पूरा के पूरा। इसलिए चार बनाना जरूरी है, पर आप पांच भी बना सकते हो, पर पांच बनाने का कोई यूज नहीं होता, क्योंकि वो पांचवा तोड़ने से पहले ऊपर से नीचे आ ही जाता है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर एक स्टेप जैसे बना देनी है आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक स्टेयर जैसे बनानी है आपको, देख सकते हो ये स्टेयर आपको ऊपर आने में मदद होगी। और दूसरी चीज, यहाँ पर आपको रेड स्टोन डस्ट भी लगानी है लास्ट में, ताकि पिस्टन्स को एनर्जी दे सके हम। तो यहाँ पर जो फिफ्थ लेयर है उस पे हम, ये जो मैं लेयर बना रहा हूँ अभी, उसका पीछे से, मतलब पीछे की जो लास्ट लेयर थी उसके ऊपर से एक ब्लॉक बाहर ये करना है, बिल्ड करना है। और आगे से ये जो है कोबल स्टोन के भी आगे एक लेयर बनानी है आपको, और उसके बाद उसको बंद कर देना है, ताकि हमारा कोबल स्टोन के ऊपर ब्रिक नहीं आना चाहिए। बीच में जो कोबल स्टोन की लाइन है उसके ऊपर कोबल स्टोन ब्रिक नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने ऐसा किया है। और लास्ट में तो लेयर ही थी कोबल स्टोन ब्रिक की पूरी, इसलिए लास्ट में कोबल स्टोन ब्रिक ही लगा दिया हमने। तो यहाँ पर हम बन चुका है, तो यहाँ पर एक और लेयर बना दो कोबल स्टोन ब्रिक की। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे कीजिए दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल सा है कोबल स्टोन ये जनरेटर, और बहुत ही मस्त काम करता है दोस्तों। तो यहाँ पर दो लेयर बनाई मैंने, और उसके बाद सिर्फ एक लाइन खींचनी ऊपर कोबल स्टोन ब्लॉक्स की, दो ब्लॉक्स और लगाने ऊपर इसके ऊपर। तो यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ, इसके ऊपर एक ब्लॉक लगा दे, देखिए मतलब ये दो लेयर है पूरी, उसके ऊपर दो ब्लॉक्स लगाने हैं, और उसके बाद उस बीच में की लाइन को चार ब्लॉक्स में खींचना है आपको, जहाँ पर हम पिस्टन लगा सके, मतलब वो ऊपर की जो लाइन है और हम जो खड़े हैं उन दोनों के बीच में तीन ब्लॉक का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पिस्टन लगा देंगे, तो ये चौथे लाइन पे मैंने ये कर दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे पिस्टन लगाने हैं, चार पिस्टन है अपने पास। तो यहाँ पर क्राउच होके लगाना है आपको, देखिए मैं क्राउच हो चुका हूँ यहाँ पर, क्योंकि क्राउच होके हम उसका मुंह नीचे आना चाहिए, एक आध मुंह हमारे पास आ जाता है, इसलिए क्राउच होके लगाएंगे तो फिर तोड़ने की दिक्कत नहीं आएगी। तो बीच में देखिए दो लेयर है, और यहाँ पर हमने कोबल स्टोन से भर दी ये लेयर। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा मेनली काम पूरा हो चुका है सारा के सारा। अब यहाँ पर सिर्फ अपने स्टेयर पूरी कर देनी है, अपनी साइड की स्टेयर होती है ना, उसको पूरी कर दो दोस्तों। यहाँ पर स्टेयर पूरी हो चुकी है, यहाँ से हम ऊपर भी आ सकते हैं। देखिए आप, मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ इसका बड़ा वाला। तो यहाँ से अब मुझे चाहिए ये थोड़ा बेड चाहिए यार, बेड तो लेना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अगर यहाँ पर ज़ॉम्बी स्पॉन हुए तो मुझे मार डालेंगे। मेरे भाई के पास तो मेजर राइट है, सारा आर्मर है उसके पास, पर मेरे पास इधर सिर्फ गोल्ड का और डायमंड की एक चड्डी है, सिर्फ गोल्ड का बनियान और जूते है, चप्पल है। तो यहाँ पर ऊपर चला जाता हूँ मैं, ऊपर जाने के बाद सुबह तो हो ही चुकी है, अभी कोई मॉब्स का टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर जिस साइड से हम ऊपर आने के बाद डायरेक्ट जो होल दिखता है हमको, वहाँ पर हमको एक लेयर फिल कर देनी है वहाँ पर, और यहाँ पर जो दूसरी साइड है उसको एक लेयर बढ़ा देनी है, और जहाँ पर लेयर बढ़ाई है वहाँ पर हमने पानी डालना है, और जहाँ पर लेयर घटाई है वहाँ पर हमने लावा डालना है। देख सकते हो यहाँ पर, व्यू दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये है और ये है, यहाँ पर हमने एक लेयर इंक्रीज कर दी, यहाँ पर एक लेयर डिक्रीज कर दी, मतलब यहाँ उस साइड पे सिर्फ एक ही ब्लॉक की लेयर है और इस साइड पे तीन ब्लॉक की लेयर है। तो यहाँ पर हम पानी डाल देते हैं दोस्तों। मैंने आपको बड़ा वाला व्यू दिखा दिया है, तो आप उस व्यू ऑफ पॉइंट से आप बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट लेयर में पानी भर दिया, अब दूसरे लेयर में पानी भर दिया मैंने। तो इस साइड में पानी भरना है आपको, और उस साइड में लावा भरना है आपको। और आपको तो पता ही होगा, जब लावा और पानी मिक्स होते हैं तो सिर्फ दो चीज बनती है। अगर लावा के मेन सोर्स पे पानी डाल दिया तो ऑब्सीडियन बनता है, और अगर लावा के मेन सोर्स पे अगर हम पानी नहीं डालते, उसके फ्लो वाले सोर्स पे डालते हैं जो मेन सोर्स नहीं है, वहां पर हम कोबल स्टोन जनरेट कर सकते हैं। तो वैसी एक ऐसी काम करने वाली ऐसी इसकी मैकेनिज्म है, जो पिस्टन नीचे कोबल स्टोन निकलेगा तो दोनों लावा और पानी मिक्स करके कोबल स्टोन की एक लेयर बन जाएगी, चार कोबल स्टोन की लेयर। तो उससे हम ये अनलिमिटेड फार्म बन जाएगा कोबल स्टोन का। इसी थियोरी की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए हमको, अगर माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं हम तो थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम नूब खेलाएंगे, ऐसे ही खेलाते हैं, इसलिए थोड़ी नॉलेज दी है मैंने आपको। तो यहाँ पर रेड स्टोन रिपीटर लगाना है, रेड स्टोन रिपीटर जैसा कि मैंने बोला था
आप गूगल पे जाके सर्च मार सकते हो रेडस्टोन रिपीटर कैसे बनाते हैं, नहीं तो फिर इस वीडियो के अपलोड करने के बाद ही मैं रेडस्टोन रिपीटर कैसे बनाते हैं, ऑब्जर्वर कैसे बनाते हैं, उसका भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो यहाँ पर रेडस्टोन रिपीटर लगाने के बाद यहाँ पर रेडस्टोन लगाना है ताकि अपने पिस्टन को एनर्जी मिल सके। तो यहाँ पर दिख रही है मैं कैसा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर चारों पिस्टन को एनर्जी मिल जाएगी इससे, देख रहे हो आप। मैं आपको व्यू पॉइंट व्यू बड़ा करके दिखा रहा हूँ अपना अल्टीमेट कोबलस्टोन फार्म कैसा लगेगा। तो अपना अल्टीमेट कोबलस्टोन फार्म अनलिमिटेड कोबलस्टोन जनरेटर बन चुका है, ऐसा भी कह सकते हो आप। तो यहाँ पर मैं थोड़ी वीडियो के सेटिंग्स चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो देख सकते हो आप दोस्तों अपना कोबलस्टोन फार्म अच्छा दिख रहा है, एकदम सिंपल दिख रहा है, मतलब एकदम ऐसे विलेजर टाइप दिख रहा है। पर अगर आपको इसको एडवांस लेवल करना है, मतलब एकदम डेकोरेशन मस्त करना है दोस्तों, तो मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे वो एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, अटैच कर दूंगा। नहीं तो फिर आप ऊपर आई बटन पे देख ही सकते हो कि हाउ टू डेकोरेट कोबलस्टोन फार्म, जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में दिखाया था कोबलस्टोन फार्म कैसा दिख रहा था जनरेटर, वैसा ही कोबलस्टोन जनरेटर को, सिर्फ इसी कोबलस्टोन जनरेटर को मैंने डेकोरेट करके वो थंबनेल बनाया था। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पानी और लावा मिक्स होके ऑब्सीडियन बन चुके हैं, तो यहाँ पर एक गलती हो गई है। इसी गलती के बारे में मैं आज बात करने वाला था कि मेनली बिगिनर्स या फिर कोई भी हो जो फर्स्ट टाइम बना रहा है ये कोबलस्टोन जनरेटर, उनको ये प्रॉब्लम हर बार आती है कि पानी और लावा मिक्स होके ऑब्सीडियन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर गलती क्या होती है मैं अभी बता देता हूँ आपको। हमने दो लेयर पे अनलिमिटेड सोर्स ऑफ वाटर कर दिया था, पर आपको सिर्फ यहाँ पर सेकेंड लेयर पे सिर्फ दोनों साइड पे एक एक वाटर बकेट डालनी है ताकि अनलिमिटेड सोर्स ना बन सके। अगर आपको अनलिमिटेड सोर्स के बारे में नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फर्स्ट लेयर पे पानी डालने के बाद सेकेंड लेयर पे सिर्फ एंड पॉइंट पे ही वाटर डालना है ताकि वाटर इस साइड पे ना आ सके। आप देख सकते हो, अब देखो बीच में एक कोबलस्टोन की लेयर बन चुकी है दोस्तों। अब देखो अब कितना मस्त काम करेगा अपना कोबलस्टोन जनरेटर। मैंने ये जानबूझ के किया था क्योंकि मेनली ये बिगिनर्स या फिर कोई भी हो जो करता है इंटरमीडिएट प्रो, जो भी फर्स्ट टाइम कोबलस्टोन बनाता है फार्म बनाता है, तो उनको उनसे ये गलती हो जाती है। और काफी सारे वीडियोस में ये गलती कवर नहीं की है, इसलिए मैंने इस वीडियो में ये गलती कवर की है। और एक गलती है जो हर बार करते हैं लोग, मतलब एक बार उनके पास डायमंड की पिकेक्स या फिर नेदराइट की पिकेक्स आ गई तो ये गलती होती है, उस गलती के बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में आगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और मैं बता रहा था कि जैसे मैंने थंबनेल में दिखाया है कोबलस्टोन फार्म जनरेटर, वैसा ही हम डेकोरेट करके कैसे बना सकते हैं, उसका ही मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ये मैंने बता दिया आपको। तो आप वो वीडियो देख सकते हो, क्योंकि अगर मैंने उस वीडियो को इसमें अटैच कर दिया होता डेकोरेशन वाली वीडियो को भी, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। पहले ये 15 मिनट्स का वीडियो या फिर 60 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, और इतना लंबा वीडियो देख के ही आप यहाँ पर नहीं आते, इसलिए मैंने वो अभी नहीं बनाया है। तो यहाँ पर मेरे पास एक पूरा स्टैक बनाना था, मेरा मतलब एक चेस्ट भर देनी थी मुझे कोबलस्टोन की स्टैक से, लेकिन मेरे पास जो पिकेक्स थी उसको कुछ भी एन्चेंटमेंट नहीं थी, तो मैं अपनी एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के लिए लग चुका था, यहाँ पर काम कर रहा था। यहाँ पर मैंने बुक्स ले ली थोड़ी मेरे घर से, मेरा घर पहली बार मुझे काम आया है बुक्स के लिए, नहीं तो फिर ये तो सिर्फ डार्क हाउस था मेरे लिए और कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर मैंने एन्चेंटमेंट टेबल बना दिए दोस्तों, देख सकते हो आप। तो एन्चेंटमेंट कर भी दी मैंने, इफिशियंसी 1 ही हो सकी अभी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 XP थी और मैंने इफिशियंसी 1 ले ली। वैसे भी इफिशियंसी 1 भी ठीक है, पर इफिशियंसी 3 और 4 और 5 तो भाई एक नंबर होती है, इसलिए आप वही एफिशिएंसी लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा XP हो, ज़्यादा XP हो और आपके पास बुक शेल्फ नहीं हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों, बुक शेल्फ तो होनी चाहिए आपके पास उसको पावर देने के लिए एन्चेंटमेंट टेबल को। तो यहाँ पर एक दूसरी गलती मैं कवर करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोबलस्टोन फार्म बंद हो चुका है, लेकिन हालांकि ऊपर कोबलस्टोन फार्म चल रहा है, वहाँ पर कोबलस्टोन जनरेट हो रहे पानी और लावा की वजह से, पर यहाँ पर एक दिक्कत आ चुकी है कि अगर जब भी अपना आपका फार्म ऐसे बंद हो जाए अचानक, मतलब लास्ट की लेयर नीचे ऊपर से आ ही नहीं नीचे, तो यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्वर के आगे एक कोबलस्टोन लगा देना है आपको, फिर आपका कोबलस्टोन जनरेटर फिर से चालू हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके बारे में बताने लगूंगा तो आपको समझेगा नहीं अभी, लेकिन आप अगर ऐसे खेलते रहो तो अगर आपको एक पॉइंट आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे समझाने पे नहीं समझेगा। तो देख सकते हो आप, मैंने सारा चेस्ट को 16 कोबलस्टोन से भर दिया है, यानी मेरे पास लगभग 10 स्टैक ऑफ कोबलस्टोन बन चुके हैं, यानी 640 कोबलस्टोन।
मतलब आधे दिन में मैंने 640 कोबल स्टोन यानी फिर एक एक पूरा घर बना सकते हैं, एक घर क्या दो तीन घर बना सकते हैं 640 ब्रिक से। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों, भाई कितना मस्त लग रहा है। पर दोस्तों ये एक सिंपल कोबल स्टोन फार्म है, सिर्फ इसी को डेकोरेट करके एकदम मस्त वाला बनाना है दोस्तों। आपको इसको डेकोरेट करने की और करने में आपको दो ही चीज़ लगेगी, नहीं तीन चीज लगेगी, एक लैंटन, सिंपल लैंटन ऑरेंज कलर का, फिर सोल लैंटन लगेगा आपको, जो आपको नेदर में सोल सॉइल मिलने के बाद आप बना सकते हो सोल लैंटन। और उसके बाद आपको सिर्फ एक लावा बकेट और एक वाटर बकेट लगेंगी। तो उसके बाद आप इसको एक एकदम हाई क्लास कोबलस्टोन फार्म जनरेटर का डेकोरेट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने देखा नहीं होगा तो पीछे कीजिए वीडियो को, और लास्ट में जब भी मैंने एक चेस्ट खोली थी तब देखिए उस चेस्ट में कुछ अलग था क्या, और वो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ लो लाइक बटन पे दबा डालो उस लाइक बटन को, और सब्सक्राइब बटन को तो फोड़ डालो, उस पर कुछ भी टैक्स नहीं लगता, कोई GST नहीं लगती, उसको दबा दो और मुझे सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, मुझे हेल्प मिलेगी आपकी। और अगर आपको डेकोरेशन वाला वीडियो देखना है तो आप नोटिफिकेशन बेल ऑल कर ऑन कर दीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। दिस इज सोम साइनिंग ऑफ। Plans that I had in the future, I remember I was thinking about babies, whether a boy or girl, and what we would name it. It hurts we never made it. I just assumed that you lied when you told me you never leave me, 'cause you deceived me, you so misleading my heart.